चलो उधर उसके साथ जाने का है। हाथ दिखाओ। ये शहर इन दिनों देश का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों वाला शहर बन चुका है। यहाँ 180,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। पुणे में देश का तीसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बुधवार पेट है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ प्रशासन, एनजीओ और यहाँ रहने वाली सेक्स वर्कर्स महिलाओं की ओर से कई जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। यही वजह थी कि यहाँ लॉकडाउन लगने के 4 महीनों तक बुधवार पेट में एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन अब यहाँ भी केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिन में ही यहाँ 40 से ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि अब एक्टिव केस सिर्फ 15 ही बचे हैं। पुणे के रेड लाइट एरिया में पूरे लॉकडाउन में कोरोना के एक भी केस नहीं पाई गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे केसेस आना शुरू हो गया है। 4 डेथ आज तक हुए है वहाँ पे। लॉकडाउन लगते ही बुधवार पेट इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके यहां आने वाली हर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस की एक टीम 24 घंटे यहां तैनात रहती थी और इस एरिया में होने वाली वैश्यावृत्ति को पूरी तरह से रोक दिया गया था। अनलॉक 1 के ठीक बाद यहां नियमों के साथ देह व्यापार को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन फिर यहाँ 5 पॉजिटिव केस आने के बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में बुधवार पेट इलाके को 15 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। अब यहां हालात फिर से सामान्य हो चुके हैं। सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाले एनजीओ सहेली संघ की तेजस्वी सेवेकारी ने बताया कि यहां की ज्यादातर सेक्स वर्कर अब वापस काम पर आ चुकी हैं। निगम अधिकारियों के साथ मिलकर एनजीओ ने एक खास SOP भी तैयार की है और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए उन्हें वीडियो और ऑडियो क्लिप के जरिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हाउ टू प्रिवेंट कोरोना, ये कोरोना का प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में एजुकेशन सेशंस भी शुरू किए। ज़्यादातर वीडियो कॉल्स के माध्यम से हमने वो किए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बनाए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और एजुकेशन उसी तरीके से चल रही है। उसके साथ ही हमने SOP भी बनाया था जिसमें अगर बिजनेस शुरू होता है तो कैसे सुरक्षित रहें, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कस्टमर्स को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके भी एजुकेशनल वीडियोस और SOP का लिखित स्वरूप में भी हमने ब्रॉडकास्ट पे डाल दिया और बात भी किया सेक्स वर्कर्स के साथ। अब जानिए कि रेड लाइट एरिया के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए गए हैं। यहाँ आने वाले हर ग्राहक की स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। यहाँ रहने के दौरान ग्राहक किसी भी हाल में चेहरे से मास्क नहीं उतार सकेगा। कंडोम की तरह ही सैनिटाइजर, मास्क और दस्ताने को भी अनिवार्य किया गया है। हर ब्रोथल पर कम से कम 2 टेम्परेचर गन होना अनिवार्य है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की समय समय पर स्क्रीनिंग होती है। लक्षण नजर आने पर महिलाओं को आइसोलेटेड रहने का नियम होगा। हर ब्रोथल की संचालिका को यहाँ काम करने वालों का रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य होगा। तेजस्वी ने बताया कि यहाँ करीब 2500 रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं। शुरुआत में उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन शहर में जैसे जैसे केस बढ़े तो महिलाएं खुद ही सामने आई और उन्होंने ग्राहकों को मना करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान करीब 100 दिनों तक ये इलाका सील रहा। इस बीच पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों ने इन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराया। लॉकडाउन के शुरू होते ही सबसे पहली चीज जो हो गई है वो पूरा धंधा बंद हो गया। सेक्स वर्क पूरी तरीके से बंद होने की वजह से, इनकम बंद होने की वजह से काफ़ी सारी चुनौतियों का सेक्स वर्कर्स को सामना करना पड़ा और अभी भी वो कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, राशन तो मिल रहा है, डोनर्स आगे आ रहे हैं, काफ़ी सारे संस्था हैं, पुलिस ने भी काफ़ी राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। बुधवार पेट में 7 सालों से बतौर सेक्स वर्कर काम कर रही एक महिला ने बताया कि ऐसी परेशानी तो नोटबंदी के समय भी नहीं देखी थी। कोरोना के चलते इलाका सील था, सब घरों में कैद थे,
कमाई भी पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन सेक्स वर्कर्स ने तय किया कि वो अपने पेट की खातिर दूसरे की जान खतरे में नहीं डालेंगी। लेकिन जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो इन्होंने संक्रमण से बचने के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए फोन सेक्स का विकल्प भी आजमाया। प्रशासन और एनजीओ के तमाम दावों के बावजूद भी हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर इस इलाके की पड़ताल की। हमने एक ग्राहक को ब्रोथल पर भेजा। जैसे ही वो ब्रोथल के अंदर जाने लगा तो यहाँ की संचालिका ने उसे रोककर मास्क और ग्लव्स पहनने को कहा। कमरे में जाने से पहले ही रेट तय किया और पैसे एडवांस लिए गए। हाथ काहे के लिए दिखाऊं? हाथ देखना है ना, कोरोना का क्या है क्या नहीं है अभी। जिस महिला के साथ कमरे में जाना था वो महिला इस शख्स को सबसे पहले एक बाथरूम में ले गई और वहां उसे नहाने के लिए कहा गया। साबुन है, डेटॉल है, टॉवल है। लॉकडाउन के दौरान बुधवार पेट के रेड लाइट एरिया में पुलिस प्रशासन स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ के सहयोग से कोरोना संक्रमण पर तो काफी हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि रेड लाइट एरिया के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए गए हैं उनका कितना और किस हद तक पालन किया जाएगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।